पहला ओवर जारी है। शुभम और श्रेयांश सलामी बल्लेबाज महावीर इंडियन की तरफ से। बहुत ही बढ़िया शॉट इंजी का, सीधे हवा में लहराता हुआ मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए पोल का सुपर सिक्स। पहला ओवर पूरा होने के बाद महावीर इंडियंस के 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। पहला ओवर पूरा होने के बाद 19 रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत महावीर इंडियंस की। काफी तेज शुरुआत जो कि जरूरी होता है एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलर्स नेम प्लीज। थैंक यू आकाश। आए हैं दूसरा ओवर लेकर शुभम स्ट्राइक पर, एक जोरदार अपील थी लेकिन बॉल सीधे गई थी विकेट कीपर के हाथों में। काफी अच्छी बॉल आकाश की, उठाकर खेला है इसे, 4 रनों के लिए जाएगा ये डिवाइन फैबुलस फोर मैदान के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए आकाश यहां पर। एक बहुत ही बढ़िया कट किया, थर्ड मैन की दिशा में गई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, डिवाइन फैबुलस फोर। बहुत ही शानदार शॉट, शानदार चौका, हल्के से कट किया था। तो 2 ओवर्स पूरे होने के बाद महावीर इंडियंस का स्कोर है 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत महावीर इंडियंस के लिए।
बहुत ही बढ़िया शॉट, गली की दिशा में एनजी के बल्ले से निकला हुआ फील्डर उसका पीछा करते हुए दूसरे रन के लिए तेजी से भागते हुए, और बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ दो रन तेजी से दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। एज लगा और ये कैच छूटता हुआ विकेटकीपर के हाथों से। कप्तान एनजे के हाथों से छूटा ये कैच, इंजी का ये कैच बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था विज पांडा के लिए, सीधे उनके हाथों में गया लेकिन कैच छूटा। रिवर्स शॉट लगाया, सीधे हवा में लहराती हुई गेंद निकली मैदान के बाहर, पोल का सुपर सिक्स। काफी बढ़िया ड्राइव, डीप विकेट की दिशा में गई ये गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद थे, एक रन जरूर मिला वहां पर इंजी को। और अब शुभम है स्ट्राइक पर, चीकू की अगली गेंद का सामना करेंगे। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, काफी तेजी से बल्ला घुमाया था पर बल्ले पर कनेक्ट हुई नहीं बॉल, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। काफी अच्छी बॉल, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए वहां पर। ओवर की अंतिम गेंद और एक बार फिर से तेज बल्ला घुमाया था, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन फिर से बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई बॉल। बहुत ही बढ़िया बॉल, काफी तेजी से निकली और सीधे गई विकेटकीपर के हाथों में। तो दो ओवर्स हो चुके हैं पूरे और महावीर इंडियंस का स्कोर है 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। काफी अच्छी शुरुआत, 20 रन प्रति ओवर की गति यहां पर बरकरार है।
काफी अच्छी बॉल थी और इंजी का उतना ही अच्छा शॉट, रिवर्स स्वीप लगाया और इसे पहुंचाया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार सिक्सर, पोल का सुपर सिक्स। डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उसे पहुंचाया मैदान के बाहर, शानदार सिक्सर 6 रनों के लिए। बहुत जबरदस्त शॉट इंजी का। स्लोवर डिलीवरी, आराम से इसे जज किया और फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन ये एक और कैच छूटता हुआ। एनजे की अगली बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट इसे उठाकर खेला है, हवा में जाती हुई ये बाहर मैदान के सीधे 6 रनों के लिए। पोल का सुपर सिक्स। हेलो, और इस बार यहां पर कैच हो सकता है। लास्ट मोमेंट पे फील्डर जरा सा कैजुअल हो गए थे, इस वजह से शायद उनके हाथ से ये कैच छूटा। ये कैचेस छोड़ना कहीं भारी ना पड़ जाए विज पांडा को। जिस तरह हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह हर एक विकेट भी इंपॉर्टेंट होता है। और एक बार फिर से जबरदस्त रिवर्स शॉट लगाकर पहुंचाया इसे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पोल का सुपर सिक्स, बेहद खूबसूरत शॉट इंजी का। बॉलर्स नेम प्लीज। गौरव, थैंक यू। एज लगी वहां पर और बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में, पहली सफलता मिलती हुई यहां पर विज पांडा को। हाउसिंग काट विकेट।
काफी खूबसूरत शॉट साइड स्क्रीन के बाजू से गिरी, स्पोल का सुपर सिक्स के लिए। जबरदस्त शॉट, लगातार रन में इजाफा होता हुआ महावीर इंडियंस के लिए, बड़े शॉट्स लगते हुए पोल का सुपर सिक्स हमें देखने को मिला। गौरव आए हैं पांचवा ओवर लेकर। वाइड का इशारा मिलता हुआ अंपायर की तरफ से, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी ये बॉल। एक रन का इजाफा और होता हुआ महावीर इंडियंस के खाते में। फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन उन्हें चीरती हुई ये बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैबुलस फोर के लिए शानदार चौका, जबरदस्त शॉट। पूरी तरह से बल्ले पर कनेक्ट हुई नहीं, बॉल वहीं पर रुक गई, हल्का सा बस किनारा लगा बल्ले का। काफी अच्छा कमबैक इसे कहना होगा गौरव का। यॉर्कर लेंथ पर गई बॉल, बल्ले पर भी आई जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, तो कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन दौड़ पाने का। एक बार फिर से वैसी ही बॉल दोबारा चूके उसे खेलने से। तो पांच ओवर पूरे होने के बाद 71 रन हो चुके हैं महावीर इंडियंस के, एक विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है और अब वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का।
ड्रिंक्स ब्रेक पूरा हो चुका है। पांच ओवर्स के बाद महावीर इंडियंस का स्कोर है 71 रन एक विकेट के नुकसान पर। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहाली में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो T20 मैच खेला जा रहा है, इंडिया ने बना लिए हैं 99 रन तीन विकेट के नुकसान पर, और अब 50 गेंदों में 60 रन की जरूरत है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। छठवां ओवर चीकू लेकर आते हुए विस पांडा की तरफ से, काफी अच्छा रिवर्स शॉट सीधे चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, एनजी के बल्ले से निकला हुआ डिवाइन फैबुलस फोर। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे इंजी वहां पर, लेकिन चूके उनके पैरों पर लगी बॉल। काफी अच्छी बॉलिंग, बीट हुए इंजी वहां पर। वैभव लेकर आए हैं छठवां ओवर चीकू। और फिर से काफी शानदार रिवर्स शॉट खेला है जो जाएगा सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए, पोलका सुपर सिक्स। पर फिर से रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश थी वहां पर इंजी की, बहुत ही जोरदार अपील, लेकिन अंपायर शायद सहमत नहीं इस अपील से। और आप सभी को बता दूं कि 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है इंजी ने, बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए। तो इंजी एक बार बल्ला उठा दो यार। नो बॉल का इशारा मिला है हमें अंपायर की तरफ से, और विकेट के पीछे 4 रनों के लिए बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इशारा मिला हमें अंपायर की तरफ से। हल्के से इसे खेला, फील्डर वहां पर मौजूद इंजी ने दौड़कर 1 रन पूरे किए। काफी बढ़िया ड्राइव, लॉन्ग ऑन की दिशा में जाती हुई बॉल, और फील्डर वहां पर मौजूद दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। तो 6 ओवर्स पूरे होने के बाद 88 रन का स्कोर है महावीर इंडियंस का एक विकेट के नुकसान पर।
उठाकर इसे खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए, शानदार सिक्स, पोल का सुपर सिक्स। गौरव लेकर आए हैं यहां पर सातवां ओवर। काफी खूबसूरत रिवर्स शॉट लगाया है यहां पर इंजी ने एक बार फिर से, जो कि गया सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए, पोल का सुपर सिक्स। महावीर इंडियंस के 100 रन पूरे होते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहां पर इंजी। फुल टॉस बॉल जिसका पूरा निश्चित तौर पर फायदा उठाएंगे इंजी जैसे बल्लेबाज, इसे भेजा है मैदान के बाहर रॉयल स्टैंड्स में, पोल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का। एज लगा था यहां पर, स्लिप्स की दिशा में गई गेंद, मगर सुरक्षित रहे वहां पर इंजी। हवा में थोड़ी देर के लिए बॉल जरूर थी लेकिन नो मैन्स लैंड पर गिरी। काफी खूबसूरत रिवर्स शॉट एक बार फिर से लगाया है फील्डर, उसके नीचे आते हुए थोड़ी सी मिसजज हुई, उनके हाथों से छूटा कैच और वन बाउंस बाउंड्री 4 रनों के लिए, डिवाइन फैबुलस 4। सात ओवर्स पूरे होने के बाद महावीर इंडियंस का स्कोर है 111 रन, केवल एक विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। आकाश आते हुए आठवां ओवर लेकर, फिलहाल 51 रन्स की साझेदारी पार्टनरशिप नमन और इंजी के बीच। आकाश की बॉल उठाकर इसे खेला है फील्डर, वहां पर मौजूद है और ये एक बढ़िया कैच देखने को मिला, हाउसिंग काट विकेट, दूसरा विकेट मिलता हुआ विज पांडा को।
बहुत ही बढ़िया बॉल, कोई मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज के पास। हवा में है बॉल और बॉलर इसे कैच करेंगे फॉलो थ्रू में। बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर। तीसरी सफलता मिलती हुई विज पांडा को। एक और बेहद शानदार सिक्स यहां पर देखने को मिला हमें, पोल का सुपर सिक्स इंजी के बल्ले से निकला हुआ। बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए इंजी यहां पर। आकाश की अगली गेंद का सामना करेंगे इंजी। एक और खूबसूरत रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इस बार इस कैच को लपक लिया गया है। इंजी हैज टू डिपार्ट, इंजी को वापस जाना होगा। हाउसिंग कार्ट विकेट यहां पर। हवा में है गेंद, फील्डर दौड़ कर आते हुए।
ऑफ स्टंप के बाहर से काफी दूर से जाती हुई बॉल, इसलिए बैट्समैन ने उसे छोड़ना, जाने देना मुनासिब समझा और अंपायर की तरफ से इशारा हमें मिला वाइड का, तो एक और रन का इजाफा होता हुआ महावीर इंडियंस के खाते में। बहुत ही बढ़िया बॉल थी, बल्लेबाज बीट हुए पूरी तरह। तरुण आए हैं 9वां ओवर लेकर। उठाकर इसे खेला है फील्डर एनजे, वहां पर मौजूद थे लेकिन उन्हें चीरते हुए ये बॉल गई 6 रनों के लिए। पोलका सुपर सिक्स। फील्डर के ऊपर से निकली ये बॉल, बहुत ही शानदार सिक्स, पोल का सुपर सिक्स जिसे हम कहते हैं। काफी अच्छा शॉट था। काफी अच्छा कैच यहां पर तरुण ने अपनी ही बॉलिंग पर लिया और एक और सफलता मिलती हुई विज पांडा को, महावीर इंडियंस का 5वां विकेट गिरता हुआ। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज, विपिन, थैंक यू। तो विपिन आए हैं नए बल्लेबाज। 9वां ओवर यहां पर जारी है और विज पांडा को 5वीं सफलता मिल चुकी है। 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर महावीर इंडियंस का स्कोर। बहुत ही बढ़िया बॉल, बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। खेलने की कोशिश जरूर की थी, प्रयास जरूर किया था लेकिन बल्ले पर आई नहीं। उठाकर खेला है इस बार और ये जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर से हम कंफर्म करना चाहेंगे ये सिक्स था या चौका, शैलेश भैया सिक्स, ओके थैंक यू। पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी लेकिन पैरों पर लगी और दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज तेजी से 1 रन पूरा करने के लिए। लेग बाय का इशारा हमें मिलता हुआ अंपायर की तरफ से। 9वां ओवर हुआ पूरा और 135 रन पर 5 विकेट महावीर इंडियंस का स्कोर। और अब देखना होगा इस अंतिम ओवर में कितने और रन आते हैं महावीर इंडियंस के लिए।135 for 5 महावीर इंडियंस आफ्टर 9। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन रुकना पड़ा, फिलहाल 1 रन पर ही यहां पर रुकना होगा। और इस पारी का अंतिम ओवर यानी कि 10वां ओवर हो चुका है शुरू।
सम्यक अंतिम ओवर लेकर आए हैं विज पांडा के लिए। काफी अच्छा शॉट ये जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, दूसरे रन के लिए तेजी से दौड़ पड़े हैं और थ्रो हुआ विकेट्स पर लगा और अंपायर की उंगली ऊपर उठी, एक और विकेट, एक और सफलता यहां पर मिली विस पांडा को। छठवां विकेट हासिल किया यहां पर विस पांडा ने। ओनर एंड द कैप्टन ऑफ महावीर इंडियंस इज नाउ ऑन द स्ट्राइक, हैज कम टू द सेंटर। काफी अच्छा कैच देखने को मिलता है यहां पर। चीकू लॉन्ग ऑन की दिशा में मौजूद थे, लॉन्ग ऑन से दौड़कर पहुंचे वो स्ट्रेट के पास और एक अच्छा कैच लिया उन्होंने साइड स्क्रीन के पास कप्तान प्रशांत जी का। सात विकेट हुए और 137 रन का स्कोर है महावीर इंडियंस का। अंतिम ओवर इस पारी का जारी है। अंकित नए बल्लेबाज आए हैं। अंकित कहें या सनी, एक ही बात है, लंबे कद के बल्लेबाज। तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 138 रन स्कोर बढ़ता हुआ। और अब अंतिम दो गेंदें शेष हैं इस पारी की। समय की अगली बॉल विपिन स्ट्राइक पर। काफी स्लो रही ये बॉल, उठाकर खेल दिया है इसे फील्डर एनजे मौजूद वहां पर। एक बहुत ही बढ़िया कैच, हाउसिंग कार्ट विकेट। आठवां विकेट, आठवीं सफलता यहां पर विज पांडा को मिलती हुई। 138 रन के स्कोर पर आठ विकेट हैं महावीर इंडियंस के। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम प्लीज। अनमोल। तो 10 ओवर हुए पूरे और महावीर इंडियंस का फाइनल स्कोर है 138 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। और विज पांडा के लिए 139 रनों का टारगेट है अब निर्धारित 10 ओवरों में, 13.90 रन्स पर ओवर। म्यूजिक।
उठाकर इसे खेला है। दो फील्डर्स उसका पीछा करते हुए काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला यहां पर। तेजी से दौड़कर दो रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। हेलो हेलो, बहुत अच्छी बॉल। बहुत ही बढ़िया बॉल, काफी तेजी से निकली और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। सम्यक लेकर आए हैं पहला ओवर महावीर इंडियंस के लिए। अनप्लेएबल बॉल। पैरों पर लगी ये बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल थी चूंकि इसे बल्ले पर लेने से बैट्समैन ये बॉल में पेस से बीट हुए, बहुत तेज गति से बॉल करते हुए बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में वो शॉट मारे। वेरी गुड बॉलिंग। सम्यक बैद राजनांदगांव। पचपन बॉल में 136 रन की आवश्यकता रन अप लेते हुए बॉलर। उठाकर इसे खेला है एनजे ने और ये बॉल आकर गिरी हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे। बेहद खूबसूरत शॉट, इस पारी का पहला छक्का, पुल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का नमन के बल्ले से निकला हुआ। बहुत ही बढ़िया शॉट। तो पहला ओवर हुआ पूरा और विस पांडा के 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अब अगले 9 ओवर्स में यानी कि 54 गेंदों में 130 रनों की जरूरत है विस पांडा को इस मैच को जीतने के लिए। पहला ओवर पूरा होने के बाद विस पांडा के 9 रन हैं। अंकित कोचर अगला ओवर लेके आते हुए काफी बहुत ही जबरदस्त शॉट, सीधे हवा में लहराता हुआ गया पोल का सुपर सिक्स के लिए, शानदार छक्का। हेलो हेलो, बहुत अच्छी रनिंग बैट्समैन के द्वारा, काफी तेजी से अपना एक रन पूरा किया।
पॉइंट की दिशा में खेला गया था इस गेंद को, लेकिन कोई रन ले पाना मुश्किल था। नमन अब है स्ट्राइक पर। सामना करेंगे अंकित की गेंद का। बीट हुए नमन वहां पर, बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। काफी अच्छी बॉल आगे की तरफ रखी थी उस बॉल को अंकित ने। काफी अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद है डीप मिड विकेट की दिशा में, और एक रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों यानी एनजे और सुजीत ने। फुल टॉस बॉल जिसका पूरा फायदा उठाया यहां पर सुजीत ने। वन बाउंस बाउंड्री, चार रन, डिवाइन फैबुलस फोर, और नो बॉल का भी इशारा हमें मिला अंपायर की तरफ से। सुजीत ने एक बार फिर से काफी अच्छा शॉट खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद थे, उनके हाथ से बॉल कैच हुई। थ्रो किया रन आउट के लिए कोशिश की, लेकिन सुजीत तब तक पहुंच चुके थे अपने क्रीज पर सुरक्षित। दोस्तों एक स्पेशल अनाउंसमेंट यहां पर करनी है, किसी का बैग बाहर गार्ड्स के पास है जिसमें काफी सारे कपड़े हैं, तो जिनका भी हो वो प्लीज गार्ड्स के पास बाहर जाकर कलेक्ट कर लें। तो दो ओवर पूरे होने के बाद विश पांडा का स्कोर है 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अब नमन आने वाले हैं तीसरा ओवर लेकर। सुजीत स्ट्राइक पर है, नमन की बॉल का सामना करेंगे। तीसरा ओवर शुरू होने को है, 23 रन फिलहाल स्कोर है विश पांडा का। फुल टॉस बॉल, नो बॉल करार दिया इसे अंपायर ने, सीधे विकेट्स के पीछे गिरी फुल टॉस बॉल। एक रन का और इजाफा हुआ। निचली रही बॉल फुल टॉस के तौर पर बल्ले पर आई और इसे खेला सुजीत ने। एक रन के लिए दौड़ पड़े, काउ कॉर्नर की दिशा में बॉल ये गई थी। लंबे कद के सम्यक यहां पर मौजूद फील्डर के तौर पर एक रन और जुड़ता हुआ विश पांडा के खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। और अब नमन है स्ट्राइक पर, सामना करेंगे नमन का। इंतजार जरूर किया इसे बल्ले पर लेने का, लेकिन थोड़ी सी मिसटाइम हुई, उनके बल्ले के नीचे से निकली, उनकी बॉडी पर लगी। एक बड़ा शॉट जरूर हो सकता था। फुल टॉस बॉल जिसका पूरा फायदा उठाया एनजे ने, और इसे बाहर की राह दिखाई, बाहर की दिशा दिखाई। 6 रनों के लिए पोलका सुपर सिक्स, शानदार शॉट, जबरदस्त छक्का, पूरा पूरा फायदा उठाया इस फुल टॉस बॉल का। पोलका सुपर सिक्स में इसे तब्दील किया।
एक बार फिर से बहुत ही शानदार शॉट जाएगा मैदान के बाहर पोल का सुपर सिक्स के लिए। बहुत अच्छा शॉट। नमन और नमन एक बार फिर से होंगे आमने सामने। जी बिल्कुल, लगातार दो सिक्सेस लगाए यहां पर एनजे ने। बाहर का रास्ता दिखाया गेंदों को, आगे बढ़कर आए हैं और इसे आराम के साथ खेला एक बार फिर से पोल का सुपर सिक्स। शानदार शॉट, बहुत ही जबरदस्त सिक्स। इस बार इसे हिट किया डीप कवर की दिशा में। स्कोर में रनों में लगातार इजाफा होता हुआ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन नमन यहां पर करते हुए। तो नमन और नमन एक बार फिर होंगे आमने सामने। हैट्रिक छक्के लगा चुके हैं नमन और एक बार फिर से उसे दिशा दिखाई है, वहीं पर फील्डर मौजूद थे डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन दौड़कर पूरा जरूर किया और एक रन का और इजाफा हुआ। तीन ओवर्स पूरे होने के बाद 44 रन का स्कोर है विज पांडा का और अगले सात ओवर में यानी कि 42 गेंदों में 95 रन 95 रन की जरूरत है विज पांडा को यह मैच जीतने के लिए। मैच अभी डाइसी है, कोई भी जीत सकता है, डू और डाई मैच है ये विज पांडा के लिए। और अगला मैच खेला जाएगा ऋषभ अजय ब्लास्टर्स और 80 सॉलिटेयर्स के मध्य। इस मैच के पूरा होते ही और अंपायर्स को मैं एक बार फिर से निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। सात ओवरों में 95 रन की जरूरत। श्रेयांश आए हैं इस ओवर को लेकर और ये एक आसान सा कैच वहां पर एनजे ने थमा दिया है फील्डर को और अब यहां से मैच का रुख बदल सकता है। देखना होगा कि कौन आ रहे हैं नए बल्लेबाज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर मिलता हुआ महावीर इंडियंस को। देखा जाए तो रन रेट काफी अच्छा चल रहा है विज पांडा का। फिलहाल जितना रिक्वायर्ड रन रेट है उतना ही चल रहा है और महावीर इंडियंस के 138 रन के स्कोर का पीछा करते हुए विज पांडा। चीकू नए बल्लेबाज आए हैं, पहली बॉल उन्होंने जो फेस की वो उनके पैरों पर लगी। काफी नीचे रही बॉल, बल्ले पर लगी जरूर और एक रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज सुजीत और चीकू यानी वैभव। काफी तेजी से बल्ला घुमाया था सुजीत ने यहां पर बल्ले पर आई नहीं बॉल, मिस हुई उनसे और गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में।
रेट की दिशा में खेला गया ये शॉट, सुजीत के बल्ले से निकला और एक रन तेजी से दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब एक बार फिर से चीकू हैं स्ट्राइक पर, सामना करेंगे श्रेयांश की अगली बॉल का, जो कि इस ओवर की अंतिम गेंद है। बहुत ही जबरदस्त शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में जाकर गिरी रॉयल स्टैंड में और पोल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का चीकू के बल्ले से निकला, बहुत ही जबरदस्त शॉट। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इसे उठाकर खेल दिया था, मैदान के बाहर की दिशा दिखाई से चीकू ने, बहुत ही बढ़िया सिक्स मिला यहां पर, पोल का सुपर सिक्स। ऐसे ही तेजी से रन बनाने की जरूरत है विस पांडा को। चार ओवर्स पूरे होने के बाद विस पांडा का स्कोर है 52 रन एक विकेट के नुकसान पर, और अगले 6 ओवर में 87 रनों की जरूरत विस पांडा को इस मैच को जीतने के लिए। अंकित पांचवा ओवर लेकर आते हुए विस पांडा के, माफी चाहूंगा, महावीर इंडियंस की तरफ से। फुल टॉस बॉल रही, इसे खेला है जितने फील्डर वहां पर मौजूद थे, केवल एक ही रन मिल पाया। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खेला गया था इसे, अब चीकू स्ट्राइक पर हैं, अंकित की अगली गेंद का सामना करेंगे। उठाकर खेल दिया है, बहुत ही शानदार शॉट, रॉयल स्टैंड पर जाकर गिरती हुई ये बॉल, पोल का सुपर सिक्स। काउ कॉर्नर की दिशा में गई थी ये बॉल, बहुत ही शानदार शॉट था, जबरदस्त छक्का यहां पर निकला चीकू के बल्ले से। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन दौड़कर पूरा किया और सुजीत अब स्ट्राइक पर हैं। उठाकर खेला है इसे, बेहद खूबसूरत शॉट, सीधे डगआउट वन में गिरता हुआ पोल का सुपर सिक्स, जबरदस्त छक्का। लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकला ये शानदार छक्का, सुजीत के बल्ले से निकला हुआ। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत शॉट उसी दिशा में, लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स की तरफ जाता हुआ पोल का सुपर सिक्स, जबरदस्त शॉट। लगातार दो छक्के जड़ते हुए सुजीत यहां पर बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन फिलहाल करते हुए। और अगला मैच खेला जाएगा ऋषभ अजय ब्लास्टर्स वर्सेस 80 सॉलिटेयर्स।
काफी खूबसूरत शॉट एक बार फिर से, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, एक रन दौड़ कर तेजी से पूरा करते हुए सुजीत और चीकू। रनों में लगातार इजाफा होता हुआ, 5 ओवर्स पूरे हुए और 73 रन का स्कोर है विज पांडा का एक विकेट के नुकसान पर। और अब वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गई ये बॉल सीधे 6 रनों के लिए, पोल का सुपर सिक्स। फील्डर ने काफी अच्छी कोशिश जरूर की थी वहां उस बॉल को रोकने की, लेकिन उनके हाथों के ऊपर से निकल गई। काफी अच्छा कैच यहां पर लिया गया और एक और इंपॉर्टेंट विकेट मिलता हुआ महावीर इंडियंस को। विज पांडा के सुजीत जो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़े शॉट्स लगा रहे थे, वो आउट होकर वापस जाते हुए। फील्डर्स नेम प्लीज जिन्होंने कैच लिया।
बहुत ही जबरदस्त शॉट उठाकर इसे खेला और पहुंचाया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए पोलका सुपर सिक्स। आकाश के बल्ले से निकला हुआ बेहद खूबसूरत शॉट सीधे गया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए पोलका सुपर सिक्स। पर फिर से उठाकर इसे खेला और यहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोशिश भी की लेकिन उनके हाथों में आई नहीं बॉल, उनके हाथों के ऊपर से निकली पोलका सुपर सिक्स। एक और शानदार छक्का यहां पर आकाश के बल्ले से निकला हुआ। एक और शानदार सिक्स यहां पर आकाश के बल्ले से निकला हुआ, लगातार तीसरा छक्का, बैक टू बैक 3 छक्के, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए यहां पर पोलका सुपर सिक्स। छह ओवर्स पूरे होने के बाद 98 रन्स का स्कोर है विज पांडा का, 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है, 24 गेंदों में 41 रनों की जरूरत अब विज पांडा को इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार शॉट यहां पर, एक और पोलका सुपर सिक्स हमें देखने को मिलता हुआ चीकू के बल्ले से निकला। बहुत समझदारी के साथ इसे हल्के से खेला और तेजी से दौड़े 1 रन पूरा करने के लिए और अब आकाश है स्ट्राइक पर। इक्कीस गेंदों में 34 रन की जरूरत है विज पांडा को इस मैच को जीतने के लिए। काफी अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में गया ये बॉल और दौड़कर 1 रन पूरा किया।
उठाकर खेला है शानदार शॉट चीकू ने, जो जाएगा सीधे रॉयल स्टैंड पर। पोलका सुपर सिक्स, बहुत ही जबरदस्त शॉट, काफी पावरफुल शॉट, सीधे गया 6 रनों के लिए हवा में लहराता हुआ। और एक और शानदार छक्का साइड स्क्रीन के ऊपर से मैदान के बाहर जाता हुआ, पोल का सुपर सिक्स, जबरदस्त। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे दर्शक साथी उस तरफ रॉयल स्टैंड की तरफ जहां खड़े हैं वहां से प्लीज पीछे की तरफ चले जाएं, मैदान के अंदर ना रहें, मैदान के बाहर आ जाएं, स्टैंड्स पर बैठ जाएं। डगआउट टू के पास जो हमारे दर्शक साथी हमारे साथ हैं उनसे रिक्वेस्ट की मैदान के बाहर आ जाएं। एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी आकाश ने, लेकिन बॉल उनके बल्ले पर आई नहीं। बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल जाएगी सीधे रॉयल स्टैंड में, शानदार छक्का यहां पर, पोल का सुपर सिक्स, जबरदस्त शॉट, आकाश के बल्ले से निकला शानदार छक्का। एक और बहुत ही जबरदस्त शॉट आकाश के बल्ले से निकला, सीधा गया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, डिवाइन फैबुलस 4। पंद्रह गेंदों में अब 10 रन की केवल जरूरत है। एक बार फिर से जोरदार शॉट खेला जो कि जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, डिवाइन फैबुलस 4। जबरदस्त जोरदार धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए आकाश यहां पर 9 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पर चीकू भी 33 रन के निजी स्कोर पर हैं इस वक्त।
वाइड बॉल का इशारा मिलता हुआ यहां पर अंपायर की तरफ से, और अब केवल 5 रनों की जरूरत विज पांडा को इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस बॉल उठाकर खेला है हवा में बॉल, फील्डर उसके नीचे आते हुए और एक बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर, एक और सफलता मिलती हुई महावीर इंडियंस को, एक और विकेट प्राप्त हुआ यहां पर, हाउसिंग कार्ट विकेट। तेरह गेंदों में 4 रनों की जरूरत है विज पांडा को इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी के दम पर इस मैच को पलटा है विज पांडा के बल्लेबाजों ने। एनजे काफी अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद सुजीत की बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली और फिर आकाश, चीकू, इन सब ने बहुत ही बढ़िया योगदान दिया है इस मैच में, काफी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। उठाकर खेल दिया है और ये बॉल जाएगी सीधा रॉयल स्टैंड में 6 रनों के लिए। विज पांडा हैज वॉन दिस मैच बाय 7 विकेट्स, 7 विकेट से विज पांडा ने इस मैच को बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जीता है।